हाय गाइस, अभिषेक हेयर। और आज मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट। मेरी बुआ जी आई हैं बैंगलोर से हमको पिक करने के लिए। उनके घर में फ़िलहाल कोई नहीं है जो उनको पिक कर सके, एंड उनकी गाड़ी भी ख़राब है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू पिक हर अप, एंड सारी प्रिकॉशंस लेके जा रहा हूँ मैं। ग्लव्स पहने हुए मैंने, आई एम ड्राइविंग राइट नाउ, तो मैं ज़्यादा आप लोगों की तरफ देख नहीं पाऊँगा, बट आई विल ट्राई टू शो यू कि किस तरह का माहौल है एयरपोर्ट पे, हाउ एग्जैक्टली थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो देखते हैं आगे क्या होता है। दिल्ली की सड़कों पे ट्रैफिक है, वैसे काफ़ी गाड़ियाँ हैं। तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब भी आप घर से बाहर निकलें, ड्राइव करें, आप आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर डाल लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन एयरपोर्ट पे भी अगर आप किसी को लेने जा रहे हैं तो दे विल आस्क कि आपने आरोग्य सेतु ऐप डाल रखी है, नहीं डाल रखी, और शायद आपको फोन पे दिखाना भी पड़ेगा। मैं बस एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में पहुंच गया हूँ। कैब्स तो दिख रही है मेरे को, प्राइवेट गाड़ियाँ काफ़ी कम है। वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, कुछ रेनोवेशन वाला काम चल रहा है। T3 पे एंटर करते समय जो बीच में गार्डन होता था ना, जहाँ पे कैनन का बोर्ड होता था, ये उसके अराउंड फेंसिंग लगी हुई है। फाइनली वेरी नियर टू द एयरपोर्ट, एंटरिंग द एयरपोर्ट। T3 की तरफ जाना है हमें। एयर एशिया के सभी फ्लाइट्स के प्लेन ऐसे खड़े हुए हैं जो कि नॉर्मली नहीं होता ऐसा। पे चेकिंग भी हो रही है। कैसा सूना पड़ा हुआ है एयरपोर्ट, नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होता है। सो दिस इज T3 एंड आई विल बी इन आउटर लेन, वहीं पे मेरे को मेरी बुआ जी मिलने वाली है। हो रही मेरी बुआ जी। जब का क्या मतलब होता है, इंटरेस्टिंग है वैसे, सवाल भी और शायद जवाब भी होंगे। वेट करो कि उसकी रेडियो सिटी 91। यू कैन सी कितने सारे लोग आ रहे हैं। वो रही मेरी बुआ, ठीक है। तो ये मेरी बुआ जी और उनके बेटे, वो जा रहे हैं अपने घर। एंड नाउ टाइम फॉर मी टू क्लीन अप द कार। थोड़ा स्प्रे कर देता हूँ अगेन, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, दैट्स इट। इसके बाद मैं ये गाड़ी चलाऊंगा नहीं तकरीबन 4-5 दिन तक। वैसे 4-5 घंटे में, जैसा कि मुझे पता चला था, कोई भी जंप होते हैं तो मर जाते हैं, ऐसा कहा गया था। बगिन ये सब शायद करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी कर दे रहा हूँ, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। टाइम फॉर मी टू गो बैक होम, और जाके मैं नहाऊंगा और बिल्कुल भी कुछ भी टच नहीं करूँगा। ग्लव्स मैंने पहन ही रखे हैं, एंड आई थिंक मिशन इज ऑलमोस्ट नियर टू कम्प्लीशन। फाइनली आई एम बैक होम, और ये जो पीछे सेटअप दिख रहा है, ये मेरा थोड़ा बिगड़ा हुआ सा छोटा सा होम सेटअप है, ऑफिस सेटअप कह सकते हैं आप इसको, बिकॉज अभी ऑफिस तो जा नहीं पा रहे हैं, तो यहीं पे सारा काम कर रहे हैं। मैं नहा चुका हूँ, और नहाने के बाद अब मैं इस रूम में हूँ अपने घर में, और इस रूम में मैं तकरीबन 3-4 घंटे क्वारंटीन हूँ एक तरह से। आई एम नॉट इंटरेक्टिंग विद एनी ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, और उन्होंने गेट वेट पहले से खोल के रखा था, तो आई हैव नॉट टच एनीथिंग। सीधा मैं बाथरूम में गया, नहा लिया, और अब मैं वापस अपना काम करने बैठा हूँ। दिस इज हाउ द कम्प्लीट एक्सपीरियंस इज, ये सारा मैंने आपको दिखाया है। मुझे नहीं लगा कि पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत है। अगर आपको भी ऐसा कुछ करना पड़े तो जस्ट फॉलो द प्रिकॉशंस, और ग्लव्स वगैरह पहनिए, मास्क पहनिए, एंड अगेन डू नॉट टच एनीथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी टच, दैट्स इट। और फिर आपका काम मेरे ख्याल से सब ठीक रहेगा, एंड यू विल बी ओके। सो दिस इज ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे। जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना।